देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। राधोगढ़ आईटीआई प्रांगण में आजीविका एवं कौशल विकास दिवस का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें देखने को मिली अव्यवस्थाएं। कार्यक्रम स्थल पर घंटों तक नहीं पहुंची महिला अधिकारी, इनका इंतजार करते रहे आयोजक। कार्यक्रम में पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं थी, महिलाओं को पीने के पानी के लिए टैंकर पर जाना पड़ा। वहीं भीषण गर्मी के चलते कूलर पंखों की व्यवस्था भी नहीं की गई, जिसके कारण महिलाओं को अपने हाथों से पुस्तिका से हवा करना पड़ा। महिलाएं पसीने से तरबतर होती रहीं। इसके साथ ही महिलाओं के साथ आए बच्चे भी भीषण गर्मी में परेशान होते रहे। ऐसा नहीं कि कूलर की व्यवस्था नहीं थी, कुछ जगह पर कूलर लगे थे लेकिन पूरे टेंट में हवा भी नहीं पहुंच पा रही थी। वहीं बैठने के लिए पर्याप्त कुर्सियों की व्यवस्था भी नहीं की गई, जिसके कारण महिलाओं को खड़ा रहना पड़ा और कुछ महिलाओं को नीचे जमीन पर बैठना पड़ा। वहीं महिलाओं को चलित शौचालय की व्यवस्था भी नहीं की गई, जिससे महिलाओं को टॉयलेट के लिए बाहर जाना पड़ा। कार्यक्रम में बिजली चोरी कर साउंड सिस्टम व कूलर पंखे चलाए गए, जिसके विभाग से लाइट लेने की परमिशन भी नहीं ली गई। खंभे पर से तार डालकर बिजली चोरी की गई। जब इस संबंध में बिजली विभाग के सुपरवाइजर से बात की गई तो सुपरवाइजर ने हमसे कहा कि कोई भी परमिशन नहीं ली गई है। सुपरवाइजर ने कहा है कि अगर बिजली चोरी हो रही है तो हम निरीक्षण करवाते हैं और चेक कर पंचनामा बनवाते हैं एवं उनके ऊपर बिजली चोरी का प्रकरण दर्ज करवाएंगे। आईटीआई प्रांगण अभी मैं चेक करवा के हमने हो तो पंचनामा बनवा देते हैं उनका। नहीं कोई हमारे पास अभी तक जानकारी में नहीं आया, अभी मौका निरीक्षण करवाते हैं, यदि चलती है तो पंचनामा बनवाते हैं। प्रकरण बनाते हैं उनका चोरी का, चोरी का। राधोगढ़ से हमारे सहयोगी तेज सिंह यादव की रिपोर्ट। बीनागंज में हुआ निःशुल्क विवाह सम्मेलन। चांदौड़ा तहसील के बीनागंज कस्बे में विश्वकर्मा ओझा समाज का निःशुल्क विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस विवाह सम्मेलन में 69 जोड़े सम्मिलित हुए। ये सभी जोड़े मध्य प्रदेश के सभी जिलों से आए एवं अलग राज्यों से भी जोड़े आए थे। इस विवाह सम्मेलन में 20 से 25,000 पब्लिक मौजूद थी। इस विवाह सम्मेलन में चांदौड़ा तहसील के पत्रकार बंधु, जिनको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, उनका साफा बांधकर स्वागत किया गया। इसके साथ ही हिंदू युवा वाहिनी ने सभी जोड़ों को हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से उपहार भेंट किए। हेलो, अभी हमारे किसी को भी देखें तो मंच पर जरूर लाएं, उनके घर वाले उनको खोज रहे हैं। ये विश्वकर्म समर्थ समाज का ये निःशुल्क सामूहिक विवाह है, जो मध्य प्रदेश में एक बीनागंज चाचौड़ा जिला गुना में ये कार्यक्रम होता है, जो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा है। और हमारा समाज में आज की महंगाई में निःशुल्क सामूहिक विवाह से कार्यक्रम करना, यही हमारा उद्देश्य है, जिससे समाज में पैसे की बचत हो, दहेज प्रथा पर रोक लगे। इस तरह का ये विश्वकर्मा समाज ओझा मैथिल समाज गुना का ये उद्देश्य लेकर काफ़ी 2005 से यथावत ये कार्यक्रम निःशुल्क सामूहिक विवाह होता है, जिसमें आज मध्य प्रदेश नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कई राज्यों से संत लोग भी आए थे। जैसे हमारे शंकराचार्य महाराज जी, अन्य महाराज संत भी आए थे, सभी पधारे।
जिनके आगमन से एक बहुत भव्यतापूर्ण कार्यक्रम रहा। आपने भी देखा इस कार्यक्रम में लगभग मध्य प्रदेश के 25 से 27 हज़ार जनता ने भाग लिया है और सभी को आशीर्वाद, वर वधु को आशीर्वाद दिया। उसी के साथ धन्यवाद। इसमें लगभग कितने जोड़े शामिल हुए हैं और किस किस जिले से शामिल हुए हैं? इसमें लगभग 69 जोड़े हैं जो मध्य प्रदेश के हैं, कुछ राजस्थान से। चांदौड़ा से हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट। शीतला माता मंदिर रोड पर आज तड़के अचानक लगी आग। बताया जा रहा है कि शीतला माता मंदिर रोड पर थोक विक्रेताओं की दुकानों के समीप ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि किसी भी तरह की जनहानि या कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन विद्युत विभाग की लापरवाही से एक बड़ा हादसा हो सकता था। उधारी का पैसा मांगना एक युवक को पड़ा महंगा। सोनखरा निवासी मारा सिंह पर कुछ लोगों ने घर में घुसकर हमला कर दिया, जिससे कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए लाया गया है। मारा सिंह ने बताया कि जब वह अपने घर पर था, तभी आरोपी गण कैलाश धाकड़, चंद्र धाकड़, प्रेम धाकड़, प्रकाश धाकड़ घर में घुस आए और मुझे गालियां देने लगे और बोले कि हमसे उधारी का पैसा मांगने की तुमने हिम्मत कैसे की। चारों ने लाठी और फरसे से हमला कर दिया, जिससे कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैं तो घर पे बैठा था और आज के घर पे ही मारा है। मेरे लिए कुछ नहीं, बात कुछ नहीं है। किसने मारा? कैलाश सनो परिचरण। तो कितने लोग थे वो? चार लोग। तो किस बात को लेकर मारपीट करी है? बेफालतू कोई बात नहीं है। अच्छा, तो इसकी FIR करवाई आपने? करवा दी बमोरी। बमोरी में? हाँ, एक चंदन लाल है, उसके पिताजी का नाम परशुराम प्रकाश, परशुराम और प्रेम देव किशन। ठीक है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा आजीविका एवं कौशल विकास कार्यक्रम के तहत पूरे प्रदेश में आज 5 मई को आजीविका एवं कौशल विकास दिवस मनाया गया। गुना में भी आजीविका एवं कौशल विकास दिवस के मौके पर महिला स्व सहायता समूह को सम्मानित किया गया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि महिलाओं को शासन की समस्त योजनाओं की जानकारी होना चाहिए, जिससे कि महिलाएं योजना का लाभ उठा सकें, साथ ही वो स्वावलंबी भी बन सकें। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना बबलू चौहान, कलेक्टर विजय दत्ता उपस्थित रहे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आजीविका एवं कौशल विकास दिवस 5 मई दीनदयाल अंत्योदय योजना द्वारा आयोजित ये खंड स्तरीय कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित हुआ है, जिसके अंतर्गत हम समस्त स्वयं सहायता समूहों को यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं। मेरे लोग उन्हें सील और प्रमाण पत्र देकर विमलेश भाई धमनार, कृष्णा भाई सिंहवासा,
किरण भाई तो उसे समाज से बहिष्कार कर देते थे, उसका सभी लोग मिलकर विरोध करते थे कि उन पेड़ों में भगवान रहते हैं, उन पेड़ों को काटना नहीं, हमें लगाना चाहिए। मगर आज के जमाने में सभी लोग पेड़ों को काटते हैं, उन्हें भगवान तो क्या कुछ भी नहीं समझते। इसलिए मैं समझती हूँ कि उन पेड़ों में भी जान रहती है, हमें उन्हें पानी डालना चाहिए, उन्हें बड़ा करना चाहिए। नरेंद्र भाई मोदी ने पहचाना है कि महिलाएं भी बहुत शक्तिशाली हैं। सीएम साहब कहते हैं कि महिलाओं के हाथों में अगर डंडा दे दिया जाए, यानी उन्हें पुलिस की नौकरी दे दी जाए, तो वो अपने काम हो रहा है। इससे हमारी महिलाएं जागरूक हो रही हैं, और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाएं किसी के भरोसे नहीं है। महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी होकर अपना रोजगार स्वयं चलाएंगी और अपने रोजगार से ही अपने परिवार का पालन। जैसा कि आज आप लोग जानते हैं, सारे प्रदेश में आज आजीविका सम्मेलन हो रहा है। आप सभी को जानकारी होगी कि जितने हमारे जनपद हैं, पांचों जनपद में हम खंड स्तरीय एक सम्मेलन कर रहे हैं। इस सम्मेलन का मुख्य रूप से हम ये बताना चाहेंगे कि जितनी आप लोग जानकारी ले सकते हैं, अब अपने अपने गाँव से बड़ी दूर से यहाँ आए हैं। कई लोगों को प्रमाण पत्र यहाँ पे बांटे जा रहे हैं, कई लोगों के मेरिट के सर्टिफिकेट्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं, कई लोगों ने उत्कृष्ट कार्य किया है, कई समूहों के महिलाओं के बारे में हमें पता चला है। जैसे सुबह से आपके डीपीएम साहब हमें बताया जा रहे थे कि कितना काम हुआ है कितनी, लेकिन हमें हमारी समझ से और बहुत काम हमें करना है। और नारी शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसका आज हम प्रदर्शन देख चुके हैं, कितनी इसमें सक्सेस मिली है, कितनी सफलता मिली है हम लोग देख चुके हैं। तो आप सभी से आशय यही है कि इसका फायदा उठाएं, जितना रोजगार हम स्वरोजगार हो या बाहर हो, जितना कौशल विकास हो सकता है उतनी योजनाएं सरकार की चलती है, सारी उन योजनाओं का लाभ उठाएं। ब्लॉक स्तर तक हमारे लोग पहुंच रहे हैं, जनप्रतिनिधियों का पूरा साथ है, तो और योजनाओं का क्रियान्वयन हम अच्छे से करेंगे, आप लोगों का भी इसमें पूरा साथ रहे। और जितने हमारे स्टॉल यहाँ लगे हैं, आप भी योजनाओं को अच्छी तरह समझें, किस योजना में बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, किसानों के लिए क्या कर सकते हैं, आप महिला को ये पूरी जानकारी होनी चाहिए और हमारे स्टॉल से भी आप लोग ये जानकारी ले सकते हैं। समूह को आगे बढ़ा सकते हैं। इन सब योजनाओं की जानकारी के लिए हमारे पास इस अवसर पर बहुत सारी योजनाओं को लेकर विभाग के कई बजरंगगढ़ बैंक सखी योजना के अंतर्गत आपको इस अवसर पर सम्मानित किया जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि मंच पर शीघ्र से पधारें। सुनीता भाई, कांता भाई, थोड़ी जगह बना दो। रजनी भाई मुस्कान समूह द्वारा अधिक आय के अंतर्गत आपको श्वेता भाई उमरी, मेरा अनुरोध है प्रतिज्ञा सामुदायिक संगठन महोदय से अपना प्रमाण पत्र और शील्ड प्राप्त करें। वैष्णवी स्वयं सहायता समूह ग्राम मावन ललिता भाई अध्यक्ष, कृपया मंच पर पधारें और अपने ग्रुप का यहाँ पर सम्मान और माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करें। ग्राम संगठन नेहमा 1,00,000 रुपए की राशि का स्वयं सहायता समूह बजरंगगढ़ आपको 12,000 रुपए का आरएफ और सीआरएफ के अंतर्गत वितरण किया जा रहा है, कृपया प्राप्त करें। लुधियाना न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।